अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हुज़ारनक सिद्धू आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम आपको एक ड्रिंक बनाना सिखाएंगे, लेमन कॉर्डियल, ठीक है, लाइक अ स्क्वाश। बहुत ही आसान है, बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं और फिर आप पानी भरिए, बर्फ़ डालिए और थोड़ा सा ये डाल के इन्जॉय करिए। ओके, आज हम पहले बना रहे हैं एस्प्रेसो फज ब्राउनीज़। नाउ एस्प्रेसो पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, जो भी आपको यूज़ करना है, एक और एक चौथाई कप मैदा है, छान के मैंने यहाँ रख दिया है, एक चौथाई टीस्पून इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें हम ढाई टेबलस्पून कोको पाउडर जाएगा, 12 ounces चॉकलेट चॉप की हुई है जो मैंने यहाँ रखी हुई है और दूसरी चॉकलेट चॉप करके थोड़े चंक्स रखे हैं जो हम चंक्स डालेंगे अंदर, ठीक है, इसको पिघलाएंगे नहीं हम। और इसमें जाएंगे 5 अदद अंडे जिसको तोड़ के यहाँ रख दिए, 1 tablespoon वनीला एसेंस जाएगा, इसमें आप कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हैं, कॉफ़ी पेस्ट भी मिलता है मार्केट में, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छा टेस्ट आता है। और चॉकलेट के चंक्स डाल दें, चॉकलेट चिप्स डाल दें, कोई अपनी फेवरेट चॉकलेट डालनी है, कॉफ़ी की फ्लेवर की चॉकलेट्स आती हैं उसको चॉप करके डाल दें, लेकिन उसको चंक्स में रखिएगा, इस तरह के बड़े चंक्स हों, स्क्वायर्स क्यूब्स रखिएगा, ठीक है। और 1 cup फीका अनसॉल्टेड मक्खन है और ये सारी चीज़ों को आपने पकाना है और इस पर कोई फ्रॉस्टिंग नहीं जाएगी, जैसे मैंने कल केक बनाया था उसके ऊपर चॉकलेट कॉफ़ी गनैश डाला था, वैसे नहीं, आज प्लेन ब्राउनीज़ हैं ये। और चीनी की मिकदार हमेशा ज़्यादा होती है, सो वी गॉट अबाउट 2 cups ऑफ चीनी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्राउनीज़ में बहुत ज़्यादा चीनी डलती है और इसीलिए ऊपर से वो उसका ऊपर का जो सरफेस है, उसका टॉप है ब्राउनी का, वो क्रैकल सा होता है और शाइनी सा, ग्लॉसी सा, मज़ेदार सा होता है। सो वील डू दिस टुडे। सारी चीज़ें हमें बेक करनी है, बेकिंग से पहले हमेशा याद रखा करें अवन ऑन कर दिया करें, प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है, खाली है अवन का शेल्फ यहाँ सेंटर में होना चाहिए इस तरह बीच में और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए, ये याद रखिएगा, नीचे का सिर्फ फंक्शन ऑन करिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे का दूसरा कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, गैस का हो, अवन के इलेक्ट्रिसिटी का हो, सिर्फ नीचे का ये फंक्शन ऑन होगा। इसमें फ़ैन की सहूलत है तो हमने ये फ़ैन का भी ऑन किया है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ नीचे का होना चाहिए। ये बेक्ड चीज़ें जो हैं उसको ऊपर से ब्राउन करने के चक्कर में प्लीज़ ऊपर का आप ऑन नहीं कर दीजिएगा, ये याद रखिएगा, वरना फिर वो ऊपर से जल जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं चीज़ें। So, सबसे पहले मुझे एक पैन चाहिए, इसमें हम चॉकलेट मक्खन और कॉफी डालेंगे। सो चॉकलेट मक्खन और कॉफ़ी, ठीक है, पानी वानी में नहीं घोलिएगा, इसी में डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कीजिए, चॉकलेट कॉफ़ी मक्खन, आँच थोड़ी सी कम करेंगे। अच्छा, अब यहाँ मेरे पास है मैदा, उसमें हम डालेंगे नमक कोको पाउडर। सो थोड़ा सा नमक कोको पाउडर और दिस इज डन। अंडे बहुत अच्छी तरह बीट करेंगे, उसमें हम चीनी डालेंगे। पांच अदद अंडे हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम भी होगा, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सो, हमें कॉल करिएगा, हमारे नंबर्स चल रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। चॉकलेट 12 ounces, 1 cup यानी के 8 ounces, 200 ग्राम मक्खन और 3 teaspoons या 2 tablespoons भर के आप कॉफ़ी पाउडर डालिए।
जब भी कोई चॉकलेट की चीज़ बनाए, स्पेशली ब्राउनीज या कोई केक, चुटकी भर कॉफ़ी पाउडर डाल के देखिएगा, चॉकलेट का फ्लेवर उभर के निकलेगा। यहाँ मैंने नमक, कोको पाउडर और मैदा रखा है। ये चीनी है। अंडों में हम वेनिला एसेंस डाल देते हैं। ये वाले कलर का जो वेनिला एसेंस है, ये वेनिला एसेंस है। वो जो दूसरा मैं क्लियर वाला लाती हूँ, वह वेनिला बीन एसेंस है। ठीक है, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड। इस चॉकलेट को हम एंड में डालेंगे जब आप खाएंगे इसको। और ब्राउनीज ना एक दिन पहले बनाएं, बहुत मज़े की बनती हैं। एक बनाइए, बिल्कुल टिन में या डिश में ठंडा करिए उसको, और फिर उसको आप नेक्स्ट डे टिन में या डिश में से निकाल के काटिए, और आप उसको माइक्रो करके भी खा सकते हैं। इतना अंदर से वो चॉकलेट पिघली हुई, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज। ये अच्छी तरह बीट करिए, तो चीनी डालिए, अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब चॉकलेट मक्खन और कॉफी, पिघला के थोड़ी देर ठंडा करिएगा, फिर डालिएगा। ठीक है, गरम गरम डायरेक्ट चूल्हे पे से उठा के अंडों में नहीं डाल दीजिएगा, ऑमलेट बन जाएगा ब्राउनीज की जगह। चलिए ये हो गया। मिक्स कीजिए दोबारा। कोको पाउडर, मैदा और नमक और चॉकलेट के चंक्स भी डालने हैं मुझे। सो इसको ज़रा एक दफ़ा बस बीटर चला दीजिए। ठीक है, अच्छी तरह ये मिक्स हो गया। अब आप इसको निकालिए और चॉकलेट के चंक्स डालिए और ओवन में रख दीजिए बेक होने के लिए। हर चीज़ मिक्स मिक्स। डिश ले आइए, जो भी आपको, जिसमें भी बेक करना है। आई थिंक आई यूज द बिगर डिश बिकॉज ये छोटा, फिर उसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है। परेशान नहीं हो जाइएगा, मुझे लिखिएगा नहीं कि भूल गई, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है। ठीक है, मैदा है, नमक है, कोको पाउडर है, चॉकलेट है, चॉकलेट के चंक्स हैं, कॉफ़ी है, वेनिला एसेंस है, चीनी है, अंडे हैं, दैट्स इट। ये चलिए साइडों से लीजिए अंदर, और ये मज़ेदार सा रेडी हो गया हमारा मिक्सचर। Oh, I forgot to grease today. मैं सोच रही थी क्या मैं भूल गई। So we need to grease our dish. Because ये Pyrex का dish है, तो इसमें मैं paper नहीं रख रही हूँ। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बाहर निकालना, जैसे मैंने आपको overhang बनाना सिखाया है, वो आप निकालिए paper और वो कर दीजिए। Hello, एक caller है जी। Hello. जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जनाब? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, हम सब आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो आपकी रेसिपी भी ट्राई करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू जी। और आज आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है, ब्राउनीज का, ये तो जरूर ट्राई करें जी। जी ये फज ब्राउनीज कॉफी के फ्लेवर वाली जरूर ट्राई करिएगा।
जी, और आपका जो डाउनलोड का आता है ना शो, हायर का शो आता है ना जी, आज जुमा है ना, 6 बजे हायर का शो आएगा जी, जी आज आएगा, वो भी हम देखते हैं, उसमें से हमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिल जाती है। क्या जी? उसमें से बहुत अच्छी रेसिपी मिलती है, वो भी हम नोट करते हैं हायर वाले शो में से। ठीक है ठीक है, देखिएगा जरूर, ठीक है, 6 बजे फ्राइडे को, जुमे को 6 बजे देखते हैं ये वाला हायर वाला जी, आज 6 बजे और फिर रात में 10 बजे रिपीट होता है जी। जी ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। ठीक है जी, ये हो गया, अब अवन में इसको रख देते हैं। चलिए अब ब्रेक लेनी है क्या? अच्छा मैं रिकैप कर दूं, 1 और 1/4 कप यानी 1.25 कप मैदा था, छान के लीजिएगा प्लीज़, उसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दीजिएगा, 2.5 टेबल स्पून कोको पाउडर थे, सबको छान के लीजिएगा, फिर एक पैन में आप 12 ounces चॉकलेट चॉप करके डाल दीजिएगा, उसमें 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन डालिएगा, 3 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर डाल के हल्की आँच पर उसको घोल दीजिएगा, चॉकलेट और मक्खन पिघल जाए तो एक तरफ रख लीजिएगा, 5 अदद अंडे बहुत अच्छी तरह बीट करिएगा, उसमें आप 2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिएगा, फिर ये चॉकलेट वाला मिक्सचर डालिएगा, फिर ये मैदा वगैरह डालिएगा, वेनिला एसेंस भी उसमें गया था, और 2 कप जितने आप चॉकलेट के चंक्स करके वो भी डाल दीजिए, दैट्स इट। अगर इसमें आपने कोई अखरोट डालनी है, चॉकलेट चिप्स डालने हैं, कुछ भी और डालना है वो आप डाल सकते हैं, सो दैट्स दैट। अच्छा अब मैं क्या करूँगी, आपको मैं पोलियो के बारे में बताना चाहती हूँ। पोलियो एक ला इलाज मर्ज है, ठीक है, अगर हम नहीं तावुन करेंगे पोलियो के हेल्थ वर्कर्स के साथ और घर में उनको नहीं लेंगे, वेलकम नहीं करेंगे और बच्चों को कतरे नहीं पिलवाएंगे या पोलियो के वैक्सीन्स नहीं लगवाएंगे तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, सही है। प्लीज़ याद रखिएगा कि ये मर्ज़ पूरी दुनिया से ख़त्म हो चुका था, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ जगहों में वापस पाया जा रहा है, सो प्लीज़ तावुन करिए और अपने बच्चों को ये पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाइए। पोलियो अगर एक दफ़ा हो जाएगा तो वो ला इलाज है, बच्चे पूरी ज़िंदगी के लिए डिसेबल्ड हो जाएंगे, पैरों में भी होता है, हाथों में भी होता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। अच्छा ओके, अब मैं लाइम कॉर्डियल की तरफ आती हूँ। लेमन के मैंने यहाँ लेमन मैंने काट लिए हैं, अब मैं एक बोल में बस लेमन का जूस निकाल के रख दूंगी, फिर इसको हमें मेजर करना है, 500 मिलीलीटर्स होना चाहिए, जितना पानी उतना ही होना चाहिए लेमन का जूस, सो वो हम करके रखते हैं, ब्रेक लीजिए, स्टे ट्यून्ड। लेमन जूस निकाल रही हूँ, 500 मिलीलीटर्स पानी, 650 ग्राम चीनी, ठीक है, इसको पिघलने दीजिए। ठीक है, लेमन का जूस और लेमन का जेस्ट और चीनी पानी पका लीजिए, गाढ़ा हो जाए रख दीजिए एक तरफ, ठंडा करिए बॉटल में रख दीजिए, उसके बाद आप 1 part, जैसे कि हम स्क्वाश बनाते हैं तो हम ग्लास के अंदर इतना सा डालते हैं, तो ये डालिएगा इतना सा और फिर पानी या बर्फ़ के साथ भर दीजिएगा, ठीक है, 3 parts water 1 part ये लेमन कॉर्डियल। बहुत सारे सवाल भी आए हैं जो मुझे आज आपको आपके साथ बात करनी है, अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आप लोग पूछते रहते हैं, ये मैंने पहले पकने देने हैं, चीनी को पकने दीजिएगा अच्छी तरह, चीनी पूरी डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, चीनी पूरी साबुत ना रहे। इसी तरह मैं जिंजर कॉर्डियल बनाना पीर को सिखाऊंगी, यानी अदरक वाला ड्रिंक जो होता है बहुत ही मज़ेदार होता है, लेमन कॉर्डियल, लाइम कॉर्डियल, जिंजर कॉर्डियल,
जैसे लाल शरबत गुलाब का होता है, वैसे बादाम का शरबत होता है, सैंडलवुड का शरबत होता है, किसी ने पिया है संदल का शरबत, वो भी बहुत अच्छा होता है, वेरी कूलिंग। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं, ज़रा नंबर्स तो चलाइए ताकि हमें कॉल्स आएँ और हमारे साथ वो बात कर सकें। आई जस्ट वॉन्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा बहुत खट्टा ना हो जाए। नहीं, हमें चाहिए थोड़ा सा खटास और, सो वी नीड मोर लेमन्स। लाहौर से एक कॉलर हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हेलो जी जी, ठीक ठाक जी, फरमाइए। मुझे आपसे सवाल पूछना था। मुझसे पूछे हैं? मोज़रेला चीज़ कैसे बनाई जाती है? क्या जी? मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ घर में नहीं बना सकते हैं, बाजार से खरीद लीजिए ना, मिलता है लाहौर में। और चेडर चीज़ भी बना लेते हैं। क्या? चेडर चीज़। जो चीज़ आसानी से मिलती है और घर में बनाने के लिए आपको और खर्चा करना पड़ेगा तो वो बाहर से लीजिए ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच जी। चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ मैंने नहीं बनाई है घर में कभी। कॉटेज चीज़ बनाइए, पनीर जो आपको बनाना भी सिखाई है, ठीक है। लेमन का पूरा जेस्ट लीजिएगा, ये देखें कितना सारा ये निकला, और लेमन्स तो मुझे ये सारे ही काट के अंदर पे करते हैं, सारे ही मुझे डालने पड़ेंगे बिकॉज वो इतना खट्टा नहीं हुआ है अभी। इट हैज टू बी खट्टा बिकॉज ये हमने इसमें चीनी भी तो डाली है ना, खट्टा मीठा मजेदार सा। जितना पानी उतना ही लेमन जूस होना चाहिए। सो 500 मिलीलीटर पानी था तो 500 मिलीलीटर ही लेमन जूस। आपने देखा है मैंने इसको हिलाया नहीं है, अगर आप इसको हिलाएंगे तो जो ये चीनी का जो कचरा है ना, स्कम जो साइड में लग गए, वो अंदर उसको क्लियर नहीं रखेगा, पूरा अंदर वो क्लाउडी सा हो जाएगा। अभी मैं ये करने के बाद एक चम्मच से उसको हटा दूंगी। चलिए, ऑल द लींबूज आर डन। कॉलर हैं जी, हेलो। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। आपकी लाइन कैसे लग जाती है हर रोज? मैं मेहनत करती हूँ, मैं चाहती हूँ आपको, प्यार करती हूँ आप लोगों से। हाय, शुक्रिया। देखिए मेरी इंजॉयमेंट होती है, मैं कहती हूँ मेरे बेटे का मम्मा डीजे, मेरा बेटा अमेरिका में होता, नहीं आऊँ, अभी जाऊंगी मैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं प्यार से आपका देखिए ब्राउनी का लिख भी लिया मैंने, थैंक यू सो मच। अमेरिका में जाके माशाल्लाह आपकी बेकिंग, खाना हर चीज अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और नॉरल्स का भी मैंने बनाया था, क्योंकि नॉरल्स मैं भी मनाती हूँ। अच्छा, आप 21 मार्च वाली मनाती होंगी ना? जी 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 जी। आपकी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज है, वॉल्यूम तेज करवा लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं जो वापस आई हैव टू टेस्ट दिस अगेन, थोड़ा सा ठंडा हो। हाँ, खट्टा खस एकदम।
अच्छा, सो व्हाट वी डू इज उसको ठंडा करेंगे, वापस छानेंगे, इतना भरेंगे, फिर बर्फ और पानी, दैट्स इट। अगर इसको आपको ठंडा करना है फिर बॉटल में भरिएगा। बॉटल भी आप क्या यूज़ करेंगे, स्टेरिलाइज्ड बॉटल, ठीक है। सो बस इसको हम बंद कर देते हैं, छान के एक बोल में निकालते हैं या किसी जग में निकालते हैं, फिर हम इसको बनाना आपको सिखाएंगे और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करनी है। गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन माय टेबल टुडे। तो ऐसे करते हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। ओके, सो क्वाइट अ फ्यू इनबॉक्स में आ गए हैं हमारे। तनुप्रीत कौर लिख रही हैं कि आई वॉच योर शो डेली, आई लव योर वंडरफुल रेसिपीज़। एक रिक्वेस्ट है कि बकलावा एंड टर्किश डिलाइट। ओके, बकलावा आई हैव मेड इन माय रेसिपी, इन माय अर्लियर रेसिपीज़, इन माय शोज़। टर्किश डिलाइट आई डोंट थिंक आई हैव मेड इट येट। इट्स अ बिट लॉन्गर प्रोसीजर, सो आई विल नॉट मेक टर्किश डिलाइट इन दिस शो। ओके, अच्छा। अमिशी अनम कह रही हैं कि कीमा बिरयानी मैंने जब बनाई थी तो मैंने कौन सा वाला कीमा यूज़ किया था, हैंड वाला कीमा या मशीन वाला? मशीन वाला कीमा हमेशा मेरा पूरा अच्छी तरह पिसा हुआ होता है। और हयात भट्टी कह रहे हैं मैंगो की लस्सी आइसक्रीम की रेसिपी बताएं। सारे आइसक्रीम्स की रेसिपीज़, सारी रेसिपीज़ मेरी फेसबुक के हमारे पेज पर हैं, फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से, जो ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है जिसपे 5 लाख+ मेंबर्स हो गए हैं। वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा और फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है। और मैंगो की लस्सी के आइसक्रीम बहुत ही आसान था कि आम थे और दही था, आई थिंक चीनी थी, उसको हमने ब्लेंड कर दिया था, फ्रीज कर दिया था, दूसरे दिन निकाल के आप सर्व कर दीजिए। हुस्नी दाऊद कह रहे हैं कि आपका शो देखता हूँ, पसंद करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे देखता हूँ, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच जी। एक फरमाइश करनी है, चॉकलेट कपकेक्स। ओ हो जी, चॉकलेट कपकेक्स तो बेतहाशा, कितने सारे मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ की वैरायटीज़ मैंने आपको सिखाई हैं, तो आप जाइए और फोटो सेक्शन में देख लीजिए, ठीक है। और दानिया नूर कह रही है संभार पाउडर लाहौर में कहाँ से मिलेगा? आई डोंट नो, लाहौर के ग्रोसरी स्टोर्स के नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये रेड चिली का एक पाउडर होता है, आपको मिल जाता है, वरना कराची से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, आपके घर तक डिलीवर भी हो जाएगा। आयशा सिद्दीकी कह रही हैं कि आई एम योर बिगेस्ट फ़ैन, लव योर शो, आई एम 7 years old। ओके जी आयशा, आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा। सबा शेख कह रही हैं कि एक क्वेश्चन पूछना है कि माइक्रो ओवन कौन सा बेस्ट है बेकिंग के लिए? देखें, हायर का शो देखिएगा शाम को 6 बजे एवरी फ्राइडे, उसमें मैंने बहुत सारी बेकिंग की है, माइक्रोवेव में, कन्वेक्शन ओवन में और एयर फ्रायर में, देखिएगा वो शो। लेकिन आप जो पूछ रही हैं, आप खुद कन्फ्यूज़ हैं। माइक्रोवेव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, जो यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो मेरा ओवन है जिसमें अभी ब्राउनीज बन रही हैं। सो माइक्रोवेव इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, गैस पे नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि माइक्रोवेव, सारे माइक्रोवेव्स में आप बेकिंग नहीं कर सकते हैं, कुछ होते हैं कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन्स जिसमें आप बेकिंग कर सकते हैं। हसीब कह रहे हैं चना चाट बनाना सिखाएं, तो चना चाट बहुत आसान है, वो मैंने बनाया भी है, आलू और चने की चाट भी बनाई है, क्रंची वाली भी बनाई है। ओके, सिमरन कह रही हैं कि आई एम मोर इनटू बेकिंग एंड रिक्वेस्ट यू टू मेक कीश, बेक्ड फिश एंड कॉर्डन ब्लर चिकन, ये सब चीज़ें बनाना सिखा चुकी हूँ। आई विश आप लोग सारे शोज़ देखें, और जो जो चीज़ें आपको सीखनी है लिख लीजिए, कीश बाय ज़ारनक सिद्वा आप गूगल कर दीजिए, आपको वो रेसिपी पूरी मिल जाएगी, पूरी वीडियो मिल जाएगी, सब कुछ है। काविश नुमान कह रही हैं फ्रोज़न फूड किड्स लंच बॉक्सेस, जी जी प्लान में है सब कुछ। रशियन सैलड की रेसिपी मिनल ज़हरा कह रही हैं, तो उसमें आलू गाजर मटर वाली रेसिपी चाहिए आपको, वो भी मैंने बनाई है। ब्लू लगून ड्रिंक बनाना सिखाएं सिद्रा कह रही हैं। ओके जी, ये सारी रेसिपीज़ सब कुछ हमने सोच लिया है, सब कुछ हम सोचेंगे, ख्याल में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, बनाएंगे ज़रूर। लेमन का जेस्ट निकाल दीजिएगा, लेमन का जूस 500 मिलीलीटर्स होना चाहिए और पानी भी 500 मिलीलीटर्स होना चाहिए, लेकिन चीनी 650 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को साथ पका लीजिएगा, छान लीजिएगा, आप देखेंगे तो वहाँ रख दिया है हमने, छान के अच्छे से 2 दफ़ा छानिएगा, मलमल के कपड़े के थ्रू भी छान सकते हैं, कोई इसमें कोई भी इसके बीज नहीं आए, इसके कुछ भी नहीं आए, ठीक है। अब ये आप ठंडा करके फ्रिज में बॉटल भर के रख दीजिएगा, और फिर जब सर्व करने का टाइम होगा तो इतना इतना हम इसमें भरेंगे। अभी मैं आपको करके दिखा दूँ, कर देते हैं, चलो विल डू इट, कर ही लेते हैं, चलें फिर हम ब्राउनीज़ को देखेंगे। स्टरर्स ले लीजिए, स्ट्रॉज ले लीजिए, जो भी कुछ आपके पास हो, नहीं हो तो ऐसे ही सर्व कर दीजिए, ठीक है। खुशबू आ रही है, ब्राउनीज़ मैंने आज अभी तक खोला ही नहीं है, बिकॉज़ आई वांट कि अच्छी तरह वो बन जाए। और बर्फ़ पहले आप डाल दीजिए,
पानी डालिए, ये लाइम कॉर्डियल का जो मिक्सचर है हमारा वो डालिए, या ठंडा बिल्कुल पानी हो। सर्व करने से पहले आप ये करेंगे, ठीक है? एंड देन दिस, इसमें कोई रंग नहीं है, कुछ नहीं है। स्टर स्टर, ठीक है, ओके। अब चखेंगे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये कितना खट्टा है या मीठा है। ओह, इट्स सो रिफ्रेशिंग। चले, एक मग मेरा, ठीक है जी। अब ब्राउनीज की तरफ, ये देखें, लुक एट द क्रंची क्रैकली टॉप। अच्छा, जब ब्राउनीज, ये देखें, अगर आप देख सकते हैं तो ये मैंने यहां रखा हुआ है, दिस इज योर ब्राउनी डन। अगर इससे ज्यादा साफ निकलेगा स्कोर, इसका मतलब है कि आपने ब्राउनी को ओवर बेक कर दिया है, ठीक है? सो ये इसी तरह, बस अब मैं इसका ओवन बंद कर दूंगी, इसको निकाल के यहाँ रख दूंगी। आप लोग इसको जाली पे एक दो घंटे ठंडा होने दीजिएगा। फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखिएगा। पीसेस बहुत अच्छे कटेंगे अगर एक दो घंटे आपने ब्राउनी को फ्रिज में रखा हो। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, पूरा ऐसे करके निकालिए, चॉपिंग बोर्ड पर रखिए और फिर क्यूब्स काटिए और खाइए, एंजॉय करिए और मुझे याद करिए, ठीक है जी। चलिए, अब हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने कुछ भी मिस आउट कर दिया हो हमारी आज की रेसिपीज़ में से, तो आप देख लीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर। स्टे ट्यून्ड। जी, वेलकम बैक। यू कैन सी आवर ब्राउनी, और इसके ऊपर इस तरह का क्रैक किया हुआ पूरा जो इसका ऊपर का टॉप है, ये बहुत ही मज़ेदार। इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा रेसिपीज़, ठीक है? और जो चीनी की मिकदार जिस भी चीज़ में ज़्यादा होती है उसमें हमेशा इस तरह होता है। सो दिस इज़ द परफेक्ट ब्राउनी फॉर यू। रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ये जो जग में मैंने निकाला हुआ है, ये पूरा लाइम कॉर्डियल है, लेमन कॉर्डियल और लाइम कॉर्डियल, और उसके साथ साथ मैंने इसको जब बनाया था तो ये इस तरह डाइल्यूट हुआ था। तो आप बनाइएगा, चखिएगा कितना मीठा आपको चाहिए। अगर इससे कम मीठा चाहिए तो, वरना दिस इज़ द रेशियो, 500 मिलीलीटर्स पानी तो 500 मिलीलीटर्स आप चीनी लेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर आप उसमें डालेंगे, सॉरी, 500 मिलीलीटर्स पानी तो 500 मिलीलीटर्स आप लेमन जूस लेंगे और चीनी 650 ग्राम लेंगे, तो ये इस तरह का बनेगा। अच्छा जी, हम क्या बना रहे हैं अगले हफ्ते? पीर को मैं बना रही हूँ 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुकीज़। आप सोचेंगे एक लाइव शो में कैसे बनेगा, एक कुकी का बेस बनेगा और 6 कुकीज़ उससे बनेंगी, ठीक है? और 2 ड्रिंक्स हैं, आइस्ड मोका, और मैं जिंजर कॉर्डियल बनाना सिखाऊंगी, जैसे ये लेमन का था वैसे अदरक के साथ, बहुत ही टेस्टी होता है। और ट्यूसडे को, यानी मंगल को, मैं चॉकलेट मट पाए बनाना सिखाऊंगी, तंदूरी चिकन बर्गर्स हैं। और बुध को थाई फिश है, ओट मील कुकी बार्स हैं। जुमेरात को क्रिस्पी सेसमी चिकन है, राइस फ्लावर और आमंड केक है। और फ्राइडे को, जुमे को रोज़ केक है, ताबा स्टाइल चिकन कड़ी है। ज़रूर देखिएगा पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे 3:30 से 4:30 लाइव, और रात में 12 बजे मेरा शो रिपीट होता है। और आज जुमा है, सो 6 बजे आप देख सकते हैं हायर का शो, और रात में वो 10 बजे रिपीट होता है। लज्जत में आज 5 बजे लाइव तंदूरी मसाला ड्रमस्टिक्स बन रहे हैं और गुलाब जामुन चीज़ केक, ठीक है जी। चलिए, अच्छा आप कह रहे हैं कि मैं एक दफ़ा रिकैप कर दूं, बिकॉज ब्राउनीज अगर किसी ने भी मिस आउट कर दिया हो तो, 1 और 1/4 कप मैंने मैदा लिया था, यानी 1/4 कप, उसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला था, 2.5 टेबल स्पून कोको पाउडर डाला था। सब कुछ छान के रखिएगा, ठीक है? फिर एक सॉस पैन में 12 ounces चॉकलेट चॉप करके ली थी। मैं हमेशा डार्क कुकिंग चॉकलेट इस्तेमाल करती हूँ, मुझे समहाउ मिल्क चॉकलेट पसंद नहीं है, वो बहुत मेरे लिए मीठी होती है। डार्क चॉकलेट वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ये कह के मैं डार्क चॉकलेट खाती रहती हूँ कि सेहत के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है? और उसमें आप डालेंगे 1 कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 3 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, उसको घोल दीजिएगा जब तक वो अच्छी तरह सब कुछ स्मूथ नहीं हो जाए, चॉकलेट और मक्खन पिघल नहीं जाए। एक बोल में 5 अदद अंडे अच्छी तरह बीट करिएगा, उसमें आप 2 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी डालिएगा और 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस डालिएगा, कॉफ़ी एसेंस भी डाल सकते हैं, वो कम डालिएगा, 1 टेबलस्पून नहीं डाल दीजिएगा, बहुत कड़वा हो जाएगा। और हर चीज़ मिक्स कर दीजिएगा, जो पैन में आपने चॉकलेट मक्खन पिघलाया है वो भी डाल दीजिएगा, और 2 कप जितने चॉकलेट के इसमें चंक्स गए हैं
वही डार्क चॉकलेट मैंने चॉप करके यूज़ की है। आप चॉकलेट चिप्स यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी और अपनी पसंदीदा फेवरेट चॉकलेट कॉफ़ी के फ्लेवर वाली कुछ हो वो भी आप अंदर डाल सकते हैं, ठीक है जी। सो लेट दिस बी इसी के डिश में, टिन में ये ठंडा हो, फिर आप उसको स्क्वायर्स काटिए और एन्जॉय करिए। सो आई होप आपने ये रेसिपीज़ नोट की हैं, आप ये बनाएंगे ज़रूर और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये तो नींबू हो घर में तो आज ही बनाएं, अभी बनाएं, कितना आसान है। इसमें कोई कलर नहीं है, इसमें कोई एडिटिव्स प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आप इसको साफ़ सुथरी स्टेरिलाइज बॉटल में भर के जब बिल्कुल ठंडा हो जाए फ्रिज में रख दीजिए, निकालिए, डालिए, पिए, कितना अच्छा है, मज़ेदार सा है, रिफ़्रेशिंग सा। सो वी हैव डन दीज टू थिंग्स टुडे, आई होप आप ने नोट की हैं, आप बनाएंगे ज़रूर, हमें फीडबैक दीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी 3:30 बजे लाइव पीर को, मंडे को, तो देखना मत भूलिएगा हमारे सारे शोज़, इसी तरह हमारे रिकॉर्डेड शोज़, लाइव शोज़ देखते रहिएगा एंड बी अ पार्ट ऑफ मसाला टीवी। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। हैव अ नाइस वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।